पूरा फॉलो कर रहा हूँ, यू नो मेरी फेवरेट इस टाइम सना खान है, यू नो मैं उनको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। रश्मि देसाई मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अभी वो गई हैं, मेरी शिफाली जरीवाला गई हैं अंदर, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो आई थिंक सो मे द बेस्ट पर्सन विन, पर मेरे को सना बहुत क्यूट लगती है बिकॉज आई थिंक सो जस्ट डे वन से मैं अमेरिका में था तो मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, तो डे वन से उनका जो कैरेक्टर है वो सेम है, कोई मेरे को फेक नहीं लगा। सो आई रियली सपोर्ट हर, बट आई रियली वॉन्ट माई फ्रेंड रश्मि टू विन द शो, बट श्रद्धा शुक्ला इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल इन द हाउस, तो आई थिंक मे बेस्ट पर्सन विन। रियली अच्छा, इसके बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं था बिकॉज आई थिंक बिग बॉस में तो लोग पूरे दीवाने हैं, पर देखिए जब मैं बिग बॉस में था तो शोले एक ही बार बनती है, सो यू नो सीजन 3 हमेशा बेस्ट कर रहा है, आज तक हम लोग बिग बॉस का ही खा रहे हैं। सो लाइक जब कमाल खान थे, पूनम ढल्लन थी, तो यू नो लाइक तो उस ज़माना कुछ और था। सो आई थिंक सो मे बी अभी इनके एक नए नए, अभी मैंने सुना नए नए कंटेस्टेंट्स को डाला है उन लोग ने अंदर, तो मे बी TRP हो जाएगी अच्छी। देख बिग बॉस का अगर ऐसा है कि सबको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जाना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट हिंदुस्तानी भाव को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, पर एक कैरेक्टर है लाइक देखिए अगर आप बहुत सारे लोग हवा में पप्पी डालने वाले यू नो अगर डाल देते हैं घर में और एक ऐसा तड़का मसाला डाल देते हैं, तो आई थिंक वो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू ऐड लिटिल वैल्यू टू द शो। जैसे कि मेरे को अभी एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि अभी बिग बॉस की TRP कम है, तो चैनल हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार के यू नो ऐसे डालता रहता है, तो आई थिंक सो ही विल क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज इन द हाउस। देखिए आई चली वन थिंग वेरी फ्रैंकली, मैं इस घर में 10 हफ्ते रहा था, आप इस घर में आप लोगों को विश्वास नहीं है कि जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो आपकी पूरी एक एलिमेंट है, एक पूरी पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है। आप बहुत ज़्यादा कैमरे के आगे फेक नहीं बन सकते हैं बिकॉज वहाँ पे इतने सारे कैमराज आपको देख रहे हैं, आपको 24 घंटे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। आप घर के अंदर जाते हैं, आपका बाहर की दुनिया से आपका नाता खत्म हो जाता है। आई डोंट नो लोगों को इतना डर लगता है कि उनकी प्रोजेक्शन हिंदुस्तान के सामने कैसी दिखाई जा रही है, किस तरह का जा रहे हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा जो है, तो आप बहुत देखिए पहला हफ्ता आपका बहुत इन्जॉयमेंट होता है, सेकेंड हफ्ते में आप थोड़ा सा ठीक होता है, थर्ड हफ्ते में आप टूटने लगते हैं क्योंकि 5 मिनट जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है। सो आई थिंक सो जो मेरी जर्नी रही है तीसरे हफ्ते, तो कोई इतना फेक कोई कर नहीं सकता कैमरे के आगे, क्योंकि कितना भी इंसान फेक करेगा उसकी रियलिटी सामने आ ही जाती है, बिग बॉस का घर ही ऐसा है। लेकिन कहा जाता है कि फेक जो प्लेयर होता है वही जीतता है लास्ट, आपका क्या कहना है? मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ क्योंकि विंदु भैया हमारे टाइम पे जीते थे, मेरे को वो बहुत फेक लगते थे अंदर, पर जब मैं विंदु भैया को मैंने बाहर निकल के जाना, वो जैसे बिग बॉस में है वो आज भी वैसे ही हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सो आई थिंक सो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ बिकॉज अब क्या हो रहा है आई डोंट नो, बिकॉज अब लोगों ने ये सीज़न 13 चल रहा है, लोग जो बिग बॉस के अंदर घुस रहे हैं वो पूरी स्टडी करके घुस रहे हैं, उन्होंने पूरे एपिसोड देखने रहते हैं और वो देखते हैं कि कहते हैं किस तरह के गेम को खेलना है, तो अभी थोड़ा सा टफ भी हो गया है गेम, बिकॉज हमारे टाइम में इतना टफ नहीं था, यू नो हमारे टाइम में जो टास्क आते थे वो ईजी होते थे, अब बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं बिग बॉस में, तो आई डोंट नो कि ये फेक है कि नहीं है, ये तो इसका जवाब तो यू नो जो जूतेगा वही बता सकता है। मेरे को झबरे बाल वाला लड़का अच्छा लग रहा था, जो नो व्हाट वाज हिज नेम, जो रश्मि का फ्रेंड है, आई डोंट नो हिज नेम, नहीं पारस तो मेरा दोस्त है, अरहान खान थोड़ा मेरे को स्ट्रांग लगा है क्योंकि उसकी जो घुसते ही मान उसने दिखाया है, पर वो टिकने वाले नहीं है ज़्यादा दिन तक ऐसे लग रहा है मेरे को, पर मेरे को वो स्ट्रांगेस्ट लगे जब वो घुसे, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जो उसका वो कॉन्फिडेंस था सलमान से बात करने का, इट वॉज रिफ्लेक्टिंग अ लॉट, ही वॉज वेरी पोलिटिकली बहुत करेक्टेड थे वो, जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो बहुत स्ट्रांग थे, मेरे को भाऊ जी बहुत स्ट्रांग लगे जब वो घुसे, स्ट्रांग लगे, अभी जाके तो पता चलेगा कौन भीगी बिल्ली है कौन स्ट्रांग है। मैं सिद्धार्थ को डेफिनेटली टॉप टीम में देखूंगा, रश्मि मेरी दोस्त है तो मैं अगर उसका नाम नहीं लेता हूँ तो मैं 4 का नाम ले लेता हूँ ना, तो रश्मि मेरी बहुत ही दोस्त है, मैं चाहूँगा वो, ये मैं चाहता हूँ कि वो आए टॉप 4 पे। पारस इज़ प्लेइंग वेरी वेल, पारस ने बहुत अच्छा खेला, एंड डेफिनेटली मैं शहनाज को देखना चाहूँगा, वो मेरे को बहुत क्यूट लगती है, बहुत, अब वो लोग कहते हैं फेक कर रही हैं, आई डोंट नो, शी इज़ रियल ना,
बस मेरे को बहुत क्यूट लगती है, वो डे वन से वो एकदम स्टैंडर्ड है, उन्होंने कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं दिया है कि लाइक जहाँ मेरे को लगा कि वो फेक है। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच।